तो जैन में महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम लगभग पूरा होने वाला है। जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया, कहा कि जो काम बचे हैं उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसी साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा महाकाल का दर्शन वो करने आएंगे और इस दौरान पहले चरण के कार्यों का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। सिंगल फेज में 108 पिलर लगाए गए हैं जो अपने आप में एक अनूठी छाप है, जिसमें देवी देवताओं के, ऋषि मुनियों के अलग अलग नकाशी देकर कलाकारी के माध्यम से देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है। महाकाल विस्तारीकरण की योजना के तहत जो फर्स्ट फेज का कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है और आज उसी तारतम्य में सांसद अनिल फिरोजिया और जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने यहाँ निरीक्षण किया है। लगभग संभावना बन रही है कि मोदी जी के कर कमलों के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा, उसी को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। और आप देख सकते हैं सांसद और कलेक्टर पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे निरीक्षण करने के लिए। लगभग ये लगता है कि अक्टूबर या नवंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। हम सीधे सांसद अनिल फिरोजिया से ही बात करते हैं कि किस प्रकार तैयारियों का जायजा लिया है। सांसद जी, किस प्रकार का तैयारियों का जायजा लिया है आपने? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संभावित 9 अक्टूबर का कार्यक्रम तय हो रहा है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी करा था, निवेदन करा था कि महाकाल प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा है इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, तो उन्होंने स्वीकृति दी है। उसी में हमारा फर्स्ट फेज लगभग बन के कम्प्लीट है। छोटे मोटे जो काम हैं और सफाई वाला थोड़ा सा काम है उसी को मैंने आज देखा, कलेक्टर है, नगर निगम आयुक्त हैं, अधिकारीगण सभी आए हैं और निर्देशित करा है कि उनको फटाफट कर दिया जाए ताकि 19 तारीख को संभावित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी उज्जैन प्रवास इसी के लिए है। हम आशीष सिंह जी से बात करते हैं। सर, 336 की जो करोड़ की जो सौगात है उसका मूल रूप ले चुकी है, किस प्रकार और कार्य होना बाकी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे जो महाकाल मंदिर परिसर विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है उसका प्रथम चरण लगभग कंप्लीट है और हमारी ऐसी योजना है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर 25 तारीख तक इस में जितने भी काम बचे हुए हैं सारे के सारे कंप्लीट कर लिए जाएं। बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जो शेष हैं, जैसे साइनेजेस के हैं, प्लांटेशन के हैं या फिर फर्नीचर के हैं, सभी ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, 2-4 दिनों में आ जाएंगे। कुछ रेक्टिफिकेशन के काम हैं, कुछ मेंटेनेंस के काम हैं जो लगातार चल रहे हैं। 25 तारीख तक हमारी पूरी तैयारी रहेगी और इसके अलावा जो फेज़ टू के कार्य हैं अगर उनको मिला दें तो लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है और मंदिर का परिसर जो केवल 2 हेक्टेयर का हुआ करता था उसका विस्तार बढ़कर 42 हेक्टेयर का हो रहा है। 42 हेक्टेयर का तो हो चुका, लेकिन सर जो PMO के यहाँ से जो डेट आना थी वो क्या फाइनल हो चुकी है? देखिए, अभी कोई डेट फाइनल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारी ये तैयारी है कि हम लोग इस महीने तक इसको कंप्लीट कर दें कि जब कभी भी हमको डेट मिलती है उस समय हमारी तैयारी पूरी हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार PMO से तारीख आना है उसका अभी तक तो ऐलान नहीं है, लेकिन संभावित जो तारीख आई है उसको लेकर जिला प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका लोकार्पण कराया जाए। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।